तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा स्टार वॉर्स सोलो से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। फिलहाल तो अभी ये एक बैड न्यूज है, पर ये अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है, जिससे कि मैं आपको इस अपडेट के बाद कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इसके जो ऑफिशियली डायरेक्टर हैं रॉन हॉवर्ड, उन्होंने अभी हाल ही में ये अपडेट दिया है कि स्टार वॉर्स सोलो से रिलेटेड उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी कि नो मोर, अब वो स्टार वॉर्स सोलो नहीं बनाएंगे। ये कुछ ऐसे अपडेट आ रही हैं मार्केट में, सोशल मीडियाज पर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। आप सभी जानते हो कि सोलो स्टार वॉर्स अगर आपने देखी, अगर आप स्टार वॉर्स यूनिवर्स के फैन हो तो आपको पता होगा कि एंडिंग में एक क्लू छोड़ा था डेथ मॉल का, जो कि एज अ एक अपकमिंग फ्यूचर स्टार वॉर्स सोलो में विलेन बनने वाला है, जो कि मेन भूमिका निभाने वाला है। पर रॉन हॉवर्ड ने खुद ही ये क्लियर करा कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। प्लान का मतलब ये नहीं है कि मूवी बनेगी नहीं, इसका सेकंड पार्ट 100% आएगा। बस उन्होंने ऐसा एक इंटरव्यू में बोला कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, और फिर उसके बाद मेरे पे काफी सारे कमेंट्स आने लग गए कि भाई स्टार वॉर्स का सोलो पार्ट नहीं आएगा, और आप कह रहे थे यूट्यूब वीडियो पर, तो भाई ऐसा नहीं है, आएगा 100% आएगा, पर उनके पास अभी कोई प्लान नहीं है। और स्टार वॉर्स सोलो तो 100% मूवी बननी है, क्योंकि उसमें हमें आगे कंटिन्यू स्टोरी देखने को मिलेगी। और तो और डोनाल्ड ग्लोवर ने भी कन्फर्म कर दिया है कि वो इस मूवी में रिटर्न होंगे, बस ये कि एक अच्छी सी स्टोरी नहीं मिल पा रही है, और देन इसे कंटिन्यूस कैसे करना है शायद उन्हें मे बी कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे पास इसका कोई प्लान नहीं है। तो गाइस मूवी बनेगी, 100% बनेगी, और हमें इसका सेकंड पार्ट तो देखने को मिलेगा ही। तो गाइस आज के बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।